दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि आज कितनी वर्षा हुई है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपने अक्सर समाचारों में सुना होगा, बारिश के दिनों में मौसम की जानकारी के समय बताया जाता है कि पिछले 24 घंटे में कितनी बारिश हुई। पिछले दो दिनों यानी 48 घंटे में 27.5 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। सवाल यह है कि वैज्ञानिक कैसे पता लगा लेते हैं कि अपने शहर में कितनी बारिश हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप भी पता लगा सकते हैं कि अपनी कॉलोनी में कितनी बारिश हुई। शोधकर्ता बताते हैं कि किसी भी स्थान में वर्षा को मापने के लिए रेन गॉग या वर्षा मापन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये यंत्र सामान्य तौर पर ऊंचे और खुले स्थान पर लगाया जाता है। इसके लिए ऐसा स्थान चुना जाता है जहां आसपास पेड़, ऊंची दीवारें ना हो, जिससे बारिश का पानी सीधे यंत्र में गिरे। वर्षा मापने का यंत्र एक सिलेंडर नुमा यंत्र होता है। इसमें ऊपरी सिरे पर किप लगी होती है, या इस यंत्र का ऊपरी आकार किप की तरह का होता है। किप में बारिश का सीधा पानी गिरता है, जो इसके नीचे लगे एक बोतलनुमा पात्र में जमा होता है। 1662 में क्रिस्टोफर व्रेन ने ब्रिटेन में पहला रेन गॉग बनाया था। वर्षा मापी कई तरह का होता है। वर्षा अधिकतर इंच या सेंटीमीटर में मापी जाती है। आदर्श वर्षा मापी उसे कहा जाता है जिसमें एक खोखला बेलन हो, अंदर एक बोतल रखी हो और उसके ऊपर एक किप लगा हो। वर्षा का पानी किप द्वारा बोतल में भर जाता है तथा बाद में पानी को मापक द्वारा माप लिया जाता है। जब बारिश की माप करनी होती है तो बाहरी सिलेंडर को खोलकर बोतल में जमा पानी को कांच के बने एक बीकर में डाला जाता है। इस बीकर पर मिलीमीटर के नंबर अंकित होते हैं। अब तो यंत्र में भी मिलीमीटर के अंक होते हैं। जितने मिनी पानी बीकर में आता है वही बारिश की माप होती है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा मिमी में माप आता है बारिश उतनी ही अधिक हुई होती है। मानसून के दिनों में दिन में दो बार ये माप होता है, सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। तो दोस्तों, आपके शहर में कितनी बारिश हुई है आप भी आसानी से माप सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।